देखने के लिए आए थे वो तो हमें देखने के लिए नहीं मिला हमारे यहाँ पे, कट गया बहुत। तो दोस्तों कि मैं थोड़ा सा अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन इस दाढ़ी करने के चक्कर में ना अपना बहुत बड़ा काट लिया है उसने। मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कर्नाटका। यस, हम आ चुके हैं बैंगलोर में, बस बैंगलोर में शाम, बैंगलोर से हमारी शाम की ट्रेन है हम्पी की। तो आज दिन भर बैंगलोर घूमेंगे। सबसे पहले तो हमारी जो ये पड़ी चुकी है उसको ज़रा सा काट देते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा हूँ मैं। मुझे पता है, आपको भी पता है, आपको पता नहीं, मुझे पता है, पता है, पता नहीं, सॉरी। चलो तो सीन कुछ ऐसा है, अभी नहाया धोया नहीं, स्टेशन पे जाएंगे, क्लॉक रूम में बैग रखेंगे और उसके बाद फिर बैंगलोर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, खाना वाना खाएंगे बैंगलोर का। शाम को 8 बजे हमारे ट्रेन है, फिर निकल जाएंगे हम्पी, और हम्पी में हमारा टेंपल एक नंबर, जिसके ऊपर 50 रुपये के ऊपर, 50 रुपये की नोट के पीछे जो सिंबल है वो हम्पी में है, तो वहाँ पर जाएंगे। बस यही सीन है, मज़ा आए। तो दोस्तों वेलकम टू कर्नाटका बैंगलोर। अभी क्लॉक रूम में सामान रख दिया है, यहाँ से चलते हैं अभी कुछ खाने के लिए। सबसे पहले तो बहुत सारी शॉप है यहाँ पे, मेट्रो सिटी है। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ा पार्क दिखा है, 25 रुपये मात्र उसका टिकट है, 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि शाम की ट्रेन है तो ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुक नहीं सकते, और ट्रेन भी यहाँ से नहीं है, अगले स्टेशन से। सीढ़ी चढ़ने में बहुत थक जाता हूँ आजकल। गन्ने का जूस यहाँ पे है, गन्ने के तो बोला उधर चलना। नहीं नहीं अंकल, मैं चल के जाता हूँ, चल के जाता हूँ। पीने से ना एनर्जी आती है, इसलिए पीना पड़ता है। भाई यहाँ घर में अटक गए हैं, यहाँ पे कन्नाड़ा में कुछ लिखा है और मुझे पढ़ना आता है नहीं, मुझे जाना है लालबाग, किसी से पूछते हैं। तो दोस्तों एक ने मुझे अभी बताया प्लेटफॉर्म नंबर 1, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता लैंग्वेज का, बाकी साउथ में बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। अच्छा दोस्तों आ चुके हैं लालबाग, लालबाग मेट्रो स्टेशन, यहाँ से शायद पास में ही होगा, देखना पड़ेगा कहाँ पर है, मुझे भी पता नहीं है। तो दोस्तों बैंगलोर है ना, ऐसा पराया पराया नहीं लगता, अपना सा लगता है, क्योंकि सेम मुंबई जैसा है, बहुत ही हाईटेक सिटी, अच्छी सिटी है, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, जाके मिल जाएगा हमें गार्डन 200 मीटर पे ही, ये सिर्फ और सिर्फ। दोस्तों आदित्य यादव व्लॉग हाजिर है आपके सामने, विजय देवरकोंडा बन के चप्पल पहन के घूम रहा है आदित्य यादव व्लॉग, विजय देवरकोंडा। तो यहाँ आने का, विजय देवरकोंडा बन के यहाँ आने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि हमें टाइम पास करना है, क्योंकि हमारी ट्रेन है ना शाम को है, 8:30 बजे की है हम्पी के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी दिन भर क्या करें, तो मुझे इंटरनेट पे ये दिखा, बहुत अच्छा पार्क है, और यहाँ पे एक ग्लास हाउस है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स के स्टैचूज बनाए गए, तो वही मैं कब से ढूंढ रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा है। शायद आगे कुछ सीढ़ियाँ है वहाँ पे, हो सकती है, तो देखते हैं, अगर होगी तो जाएंगे, नहीं तो बैठे के दिन भर टाइम पास करेंगे, मज़ा करेंगे। लगता है दोस्तों यहाँ पर आके मेरा बहुत बड़ा कटा है, क्योंकि मेरे को फ्लावर गार्डन मिल ही नहीं रहा है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था, कब से ढूंढ रहा हूँ। अभी आके मैं इस ट्री के नीचे बैठा हूँ, बहुत बड़ा ट्री है, बस यही चल रही है कहानी आजकल, क्या चल रहा है और ज़िंदगी में। एक तो जो कपल आ जा रहे हैं यहाँ वहाँ बैठे हैं ना, ये बहुत तकलीफ दे रहे है, मतलब हम सिंगल लोगों की कुछ लाइफ ही नहीं है, क्या करे, अमर जाए।
तो दोस्तों जो देखने के लिए आए थे वो तो नहीं मिला हमें। तो दोस्तों जो हम देखने के लिए आए थे वो तो हमें नहीं मिला, और जो देखने के लिए आए थे वो यहाँ पर आ रहा होगा। देखिए लेकिन यहाँ पे अच्छे अच्छे गार्डन से वो दिखाता हूँ आपको। क्या करें अभी, बहुत बढ़िया था वो अगर मिलता था तो। जो देखने के लिए आए थे वो तो हमें देखने के लिए नहीं मिला हमारे। यहाँ पे कट गया है, बहुत बढ़िया पचका हो गया है। तो अभी बैठते थोड़ी देर यहाँ पे, फिर निकलते। आई नो दोस्तों कि मैं थोड़ा सा अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन ये दाढ़ी करने के चक्कर में ना अपना बहुत बड़ा काट लिया है उसने। 200 रुपये ले लिए यार। यहाँ के लोग बहुत ठगते हैं इंसानों को, बहुत ठगते हैं। चलो चलते अभी। एक बात बताओ यारो, अभी ना बहुत हो गया, अभी थक गई है बॉडी, बहुत बहुत ज़्यादा थक गई है। अभी ये बैग उठाने की हिम्मत भी नहीं है, इतनी बॉडी थक गई है। बस कुछ दिन और सह लेंगे थोड़ा। ये जो ट्रेन है इसमें जाने वाले हैं हम क्या नाम है उसका, छोड़ो कहीं तो जाने वाले, मैं भूल गया उसका नाम। वहाँ से फिर शाम रात को आई थिंक 9:30 बजे हमारी हम्पी की ट्रेन है। तो बस यही कुछ प्लानिंग है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी ट्रेन में आके बैठ चुके हो, ट्रेन है 8:30 बजे की, अभी 7 बजे खाना वाना खा के आ गया हो। जनरल में बैठा हो, जनरल का ही टिकट निकला है। तो बस यही थी कहानी आज की। दिन भर में बहुत तकलीफ हुई आज, ठीक है होता है, कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं है। अभी सीधा मिलेंगे हम्पी में, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं हम्पी में। वीडियो एंड नहीं हो रहा है थोड़ी देर में वीडियो, और थोड़ी सी स्टोरी बाकी है तो उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। तो गाइस कोई नहीं, ये कहानी चलती ही रहेगी। ये जनरल का डब्बा दबा दबा के भरता ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। चेंज होगा कल से, मज़ा आने वाला है। गोवा जा रहे हैं हम, गोवा कल नहीं परसों जा रहे हैं गोवा। तो ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो।